सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक बताते हुए रोक लगाई है। शनिवार को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग गुमनाम चुनाव फंडिंग योजना के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करेगा। आयोग ने हमेशा सूचना प्रवाह और भागीदारी में पारदर्शिता की वकालत की है। दरअसल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने शनिवार को लोकसभा चुनाव के साथ राज्यों के विधानसभा चुनाव, मतदान केंद्रों और मतदान के दौरान उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने देश की जनता से अपील की कि सभी को लोकतंत्र के उत्सव में भाग लेना चाहिए। राजीव कुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को दिए अपने हलफनामे में आयोग ने कहा कि वह पारदर्शिता के पक्ष में है। जब आदेश जारी होगा तो वह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार कार्रवाई करेगा। Electoral bonds, whatever is the order of and commission continuously, जितने भी ये केस में हम भी पार्टी थे तो हमारे एफिडेविट्स आपने शायद देखा होगा, पढ़ा होगा। कमीशन इज ऑलवेज एज आई सेड इन द मेंशन इन द बिगिनिंग इटसेल्फ, हमारे दो ही बेसिक आधार हैं, ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी, इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन, सेकेंड इन्वॉल्व इन्वॉल्व इन्वॉल्व। तो हमारा सुप्रीम कोर्ट में यही आधार था कि वी आर इन फेवर ऑफ ट्रांसपेरेंसी। When the order has come, we will take action as directed in the court.